झारखंड कांग्रेस में इन दिनों काफी उठापटक देखने को मिल रही है। आपको बताया चलें कि झारखंड कांग्रेस में मची हलचल से दिल्ली तक का सियासी माहौल गर्म है। दिल्ली के AICC कार्यालय में आरपीएन सिंह से दीपिका पांडे, बन्ना गुप्ता, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने एक मुलाकात की है। इसके बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरपीएन सिंह ने बताया कि हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में COVID-19 अब जो हमने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों से वायदा किया है उसको पूरा करने के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। कांग्रेस नेता ने साथ ही ये भी कहा कि जनता से जो हमने वादे किए हैं वो निभाए जाएं, इसलिए हम यहाँ हैं। सिंह ने कहा कि निगम बोर्ड आयोग में तीन पार्टियों के बंटवारे की मांग पर चर्चा हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि हमने अब तक किसान लोन माफ़ कर दिया है, मेडिकल में तमाम चीज़ें हैं और तीसरी वेव के लिए और वैक्सीनेशन की समस्याओं के लिए भी लगातार बातचीत का दौर जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि राशन कार्ड और इन जैसे तमाम मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड में 27% OBC आरक्षण पर पहल करेगी। दूसरा, नौजवानों से हमने वादा किया था हमारी सरकार बनी तो उनको नौकरियां दी जाएंगी। फिलहाल विधायक कहते हैं कि नौकरियों के वायदे को पूरा करने के लिए वो सरकार पर ज़रूर दबाव बनाएंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात का क्या परिणाम निकल कर सामने आता है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।